हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का काम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा, किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप सभी लोगों का रिविजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इवनिंग की क्लास में संपूर्ण समाधान सीरीज में हम सभी लोग कल 45 क्वेश्चंस तक देखे थे। साथ में हम सभी लोगों ने की पॉइंट्स के जरिए अपना रिवीजन का कार्य भी किया था। ये की पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इन्हीं की पॉइंट्स के आधार पर हम सभी लोग धीरे धीरे कुछ चैप्टर्स के वो पॉइंट क्लियर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि कल के की पॉइंट से आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाइड होंगे कि ये की पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संपूर्ण समाधान सीरीज में हम सभी लोग जूलॉजी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जो कि बिहार पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए खासा इंपॉर्टेंस रखता है और इसके इंपॉर्टेंस आपको एग्जामिनेशन में समझ में आएंगे कि ये प्रैक्टिस सेशन जो था ये बेहद इंपॉर्टेंट था। इसलिए जो लोग बिहार पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या ईएमआरएस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वो सभी लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से एनालाइज करें और जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हों उन प्रश्नों को सही करने की कोशिश करें। हम सभी लोग देखते हैं सबसे पहले की पॉइंट्स जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला की पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला की टर्म्स में आज आपके सामने आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग परिचित होंगे, एक शब्द है टिराइटोजेंस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस शब्द से परिचित होंगे, टिराइटोजेन। आपसे पूछा जाए टिराइटोजेंस क्या होते हैं तो आप सभी लोग बताने में सक्षम होंगे कि टिराइटोजेंस का मतलब क्या होता है। एक है पोस्टमार्टम केयर, आप सभी लोगों ने सुना होगा पोस्टपार्टम केयर टर्म सुना है। पोस्टपार्टम केयर एक शब्द है जो बायोलॉजी में आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। एक वर्ड है निडिकुलस। आप में से कितने लोग हैं जो इन शब्दों से परिचित हैं? निडिकुलस की बात होती है, एक टर्म आप लोग अक्सर देखते हैं जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस ये शब्द से आप लोग परिचित हैं जी। एक टर्म होता है प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का मतलब, इसका एग्जाम्पल बताइए, तो आप सभी लोग तेजी से बताने में सक्षम होंगे जी। कुछ टर्म आपके सामने हमने लिखा है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म आपके सामने है टिराइटोजेंस, दूसरा है निडिकुलस, तीसरा है पोस्टपार्टम केयर, चौथा है रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, पांचवा है प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। उम्मीद करते हैं इन शब्दों से आप सभी लोग परिचित होंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का एग्जाम्पल बताइए तो हमें उम्मीद है कि आप में से सभी लोग सक्षम होंगे इसका आंसर देने में कि रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का एग्जाम्पल क्या है जी। फटाफट बताने की कोशिश करिएगा, मुझे लगता है कि आप सभी लोग आंसर देने में सक्षम होंगे कि रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसमें पाई जाती है। नेहा तिवारी जी कह रही हैं सर जी हर्डमानिया में पाई जाती है। हर्डमानिया के अलावा कोई दूसरा नाम आपको याद है? हर्डमानिया के अलावा कोई दूसरा नाम किसी को याद है जी? सेकेंड एग्जाम्पल चाहिए, एक तो हर्डमानिया चलेगा, हर्डमानिया के अलावा कोई दूसरा नाम आपको याद है? अगर याद है तो बताने की कोशिश करिएगा, अगर याद है तो बताने की कोशिश करिएगा कि दूसरा नाम क्या होगा। देखिए, कुछ लोग सुशीला कुमारी जी बता रही हैं स्टारफिश, ये कैसे पॉसिबल है सुशीला जी? स्टारफिश में कब आपने पढ़ लिया था? एक दूसरा नाम कोई आपसे पूछे रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस तो याद कर लीजिएगा सेकुलाइना। क्या है? सेकुलाइना। ये दोनों नाम आज से आपको हर्डमानिया की तरह याद रहने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस का एग्जाम्पल क्या होता है,
प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है तो आपका क्या आंसर आएगा? देखते हैं, कोई बताता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें पाई जाती है? जी बताने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आंसर आना चाहिए, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल सही आंसर है। अगर किसी ने बताया फ्रॉग में देखने को मिलती है तो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल आपको याद कराया। हम यहां पर बात कर रहे हैं टर्म की। टर्म में आप सभी लोग जानते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे व्हेन एडवांस्ड लार्वा, इसमें क्या होता है, इसका एडवांस्ड लार्वा जो होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लिखिएगा व्हेन एडवांस्ड लार्वा जब एडवांस्ड लार्वा इज कन्वर्टेड जब एडवांस्ड लार्वा कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हेन एडवांस्ड लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू डीजनरेटिव एडल्ट, जब एडवांस्ड लार्वा डीजनरेटिव एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। डन, इसे हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपसे कोई पूछे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है तो आप बताएंगे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है व्हेन सिंप्लीफाइड लार्वा, जब सिंप्लीफाइड लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू जब ये कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्टेड इनटू एडवांस्ड एडल्ट, जब ये एडवांस्ड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है एडवांस्ड एडल्ट इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। टिराइटोजेंस क्या होता है तो आप बताएंगे एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो, एनी एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी देखी जाती है, एनी एबनॉर्मलिटी, कोई भी एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो में कोई भी एबनॉर्मलिटी क्या कहलाती है, ये आपसे कहलाता है टिराइटोजेंस। टिराइटोजेंस क्या होते हैं, टिराइटोजेंस इज अ फिजिकल केमिकल, ये फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट होते हैं जो एम्ब्रियो में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। दिस एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड, इस एबनॉर्मलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इस एबनॉर्मलिटी को टिराइटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टिराइटोजेनेसिस। टिराइटोजेनेसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिक्स फिंगर्स, आप देखते हैं कुछ लोगों के सिक्स फिंगर्स होते हैं, दिस इज द मेन कॉज ऑफ टिराइटोजेनेसिस। टिराइटोजेनेसिस इज एन एबनॉर्मलिटी। टिराइटोजेनेसिस क्या होती है, ये एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे सिक्स फिंगर्स, अगर किसी के छह अंगुलियां हैं, दिस इज द टिराइटोजेन। ये क्यों हुआ है, फिजिकल केमिकल या फिर आप बताएंगे बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा हुआ है, इट इज कॉल्ड टिराइटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को टिराइटोजेनेसिस कहते हैं। एक टर्म यहां लिखा है पोस्टपार्टम केयर, पोस्टपार्टम केयर का मतलब होता है चाइल्ड केयर ऑफ चाइल्ड आफ्टर बर्थ, इसका मतलब होता है केयर ऑफ चिल्ड्रेन आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो बच्चों की देखभाल होती है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम केयर। याद रहेगा, आज तक आपने पोस्टमार्टम सुना था, आज पोस्टपार्टम केयर एक शब्द सुना है जिसका मतलब होता है केयर ऑफ चाइल्ड आफ्टर बर्थ। अगर किसी बेबी का या चिल्ड्रेन का केयर बर्थ के बाद किया जाता है तो उस केयर को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे पोस्टमार्टम केयर बोलते हैं। निडिकुलस का मतलब क्या होता है, अंडर डेवलप्ड। निडिकुलस का मतलब क्या होता है,
आप बताएंगे सर, निडिकुलस का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, या आप कह सकते हैं हेल्पलेस, हेल्पलेस, यंग वंस, यंग वंस, अंडर डेवलप्ड या हेल्पलेस यंग वंस, हेल्पलेस यंग वंस बॉर्न, ऐसे यंग वंस जो अंडर डेवलप्ड पैदा होते हैं या फिर हेल्पलेस होते हैं, ऐसे यंग वंस को हम लोग क्या कहते हैं, निडिकुलस कहते हैं। आपको पढ़ाते समय जो हमने पढ़ाया था तो निडिकुलस का एक अपोजिट भी पढ़ाया था, देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो निडिकुलस का अपोजिट भी बताते हैं कि डेवलप्ड यंग वंस बॉर्न, जिसमें डेवलप्ड यंग वंस जन्म लेते हैं, जिनकी आंखें खुली होती हैं, जो तुरंत चलने लगते हैं। अंडर डेवलप्ड और हेल्पलेस यंग वंस बॉर्न, दिस इज कॉल्ड निडिकुलस, इसे हम लोग निडिकुलस कहते हैं। ऐसा किसमें देखा जाता है, आप बताएंगे डॉग्स, जो डॉग्स के बच्चे होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं जब वो पैदा होते हैं, बिल्ली के बच्चे जो होते हैं उनकी भी आंखें बंद होती हैं, रैट्स के बच्चे जो होते हैं वो सब अंडर डेवलप्ड पैदा होते हैं, धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं। जी, निडिकुलस का एक अपोजिट बताया था, देखते हैं किसी के पास आंसर है इसका कि निडिकुलस का अपोजिट क्या होता है। जी, निडिकुलस का अपोजिट क्या होता है, किसी के पास से जवाब है, अगर है तो बताइएगा। जी, प्रवेश कुमार यादव जी, विनय मैनी जी, अंजलि त्रिपाठी जी, उम्मीद करते हैं प्रतिमा उपाध्याय जी, कोमल भार्गवा जी, उपासना चौहान जी, सोनू जयकर जी, विनय मैनी जी, सोनम राजपूत जी, जी राज बहादुर प्रजापति जी, राजीव कुमार जी, जी नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते, कोमल राठी जी, सुरभि जी, जी जी अनिल कुमार जी, मोहम्मद शमीम साहब, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, साकुशल होंगे। राज बहादुर जी, सोनू जयकर जी, रीना सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर, यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर, और उम्मीद करते हैं ये पांचों पॉइंट भी आप लोगों के क्लियर। जी, ये पांचों पॉइंट भी आप लोगों के क्लियर। टेल मी फास्ट, जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। जी, सब लोगों ने बताया कि सर जी याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, याद करने का ठेका आप थोड़ी लिए हैं, वो ठेका हम लिए हैं, उसे बोलते हैं निडिफ्यूगस। दो टर्म समझाया था, निडिफ्यूगस और निडिकुलस। निडिफ्यूगस का मतलब होता है डेवलप्ड, डेवलप्ड यंग वंस बॉर्न, डेवलप्ड यंग वंस बॉर्न, डेवलप्ड यंग वंस बॉर्न, निडिफ्यूगस। निडिफ्यूगस मतलब बताया था, फ्यूगस मतलब फौरन, जो फौरन चलने लगते हैं, जैसे इसमें आपके पास आंसर आता है चिकन, चिकन जो होते हैं मुर्गी के अंडे से जो चिकन निकलते हैं वो निडिफ्यूगस होते हैं और ये तुरंत चलने लगते हैं। निडिकुलस, निडिकुलस और निडिफ्यूगस, ये दोनों टर्म आपको बताया था, ना याद आए तो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप लोगों को रिविजन किए काफी जमाना हो गया, तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है टिराइटोजेंस, उम्मीद करते हैं क्लियर। क्या होता है जो है पोस्ट पार्टन केयर, उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया। क्या होता है निडिकुलस, उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। क्या होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, क्या होता है पोस्ट प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, ये पांच टर्म आप सभी लोगों के क्लियर हो गए। एक टर्म आपके सामने है कि क्या होता है लनुगो, लनुगो का नाम सुना है, लनुगो, लनुगो का नाम सुना है, जी कभी सुना है लनुगो का नाम सुना है, जी लनुगो का नाम सुना है, बताइएगा। इसका तो नाम सुना होगा ना, ई एम पी पाथवे,
ईएमपी पाथवे, इसका नाम तो सुना होगा जी, तो आप बताएंगे यस सर इसका नाम सुना है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जी सही सुना है आप लोगों ने, अगर ईएमपी सुना है तो लनुगो क्यों नहीं सुना है? लनुगो बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित टर्म है। अच्छा ये सुना है टू जीन तो सुना होगा, उम्मीद करते हैं कि टू जीन तो सुना है। लनुगो एक शब्द है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्या एक शब्द से आप परिचित हैं? बाइंडिन, बाइंडिन सुना है? तो कहेंगे सर हमेशा बाइंडिंग सुना था, बाइंडिन नहीं सुना है, टू जीन तो सुना है। क्या है ये? टू जीन तो सुना है, ये वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ये पैटर्निटी बताता है, मतलब बताता है मेल डोमिनेंस बताता है। बाइंडिन नाम सुना होगा। मोशन ऑफ स्पर्म, अगर आपसे पूछा जाए मोशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म कैसे मोशन करता है, मोशन ऑफ स्पर्म पूछा जाए कि स्पर्म कैसे मोशन करता है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन सुना है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन सुना है, उम्मीद करते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन दिया। एक टर्म होता है पॉलीस्पर्मी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये पॉलीस्पर्मी किसमें पाया जाता है, आपका आंसर आएगा ये पॉलीस्पर्मी पाया जाता है बर्ड्स में, बर्ड्स में पॉलीस्पर्मी पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लनुगो, बाइंडिंग, मोशन ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन और पॉलीस्पर्मी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है, सबसे ज्यादा आसान है मोशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का मोशन कैसे होता है सभी लोग बताएं फास्ट, आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो उसे बताने की कोशिश करें, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बताने की कोशिश करें, देखते हैं आपके दिमाग में कितना अच्छा चल रहा है। टेल मी फास्ट, मोशन ऑफ स्पर्म पूछा जाए तो व्हाट इज योर आंसर? देखिए विनय मैनी जी बता रहे हैं जिगजैग लीनियर जी, यस्टरडे में हेड टू जीन मेलेनिस को बताता है, ओके मतलब फिर भी देखिए प्रतिमा उपाध्याय जी ने बताया है सर जी टेस्टिकुलर ऑर्गेनाइजर होता है, इसे टू जीन के नाम से जानते हैं। अरे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मोशन ऑफ स्पर्म आप बताएंगे रैंडम, रैंडम मोशन, ये कैसा मोशन करता है? रैंडम मोशन करता है, कैसा करता है? रैंडम मोशन करता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ मेनी स्पर्म, पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ मेनी स्पर्म्स, कई सारे स्पर्म पेनिट्रेट करते हैं, बट ओनली वन यूनाइट विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस, इसमें से केवल एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस से यूनाइट करता है, मतलब जब कई सारे स्पर्म एंट्री करते हैं और केवल एक जो है क्या करता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस से यूनाइट करता है, दिस इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी किस में पाया जाता है? ये बर्ड्स में पाया जाता है। अब हम चलते हैं आपके सामने एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एफ आर लिली, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन वॉज प्रपोज्ड बाई, इसे किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाई, इसे किसने प्रपोज किया था? एफ आर लिली, एक साइंटिस्ट हैं एफ आर लिली, याद रखिएगा, मुझे भरोसा है कि आपको याद रहेगा, एफ आर लिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफ आर लिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इन्हें जानते रहिएगा। ये देखिए एक टर्म आपके सामने है लनुगो, लनुगो क्या होता है? तो आप बताएंगे जब फिटस जो होता है, फिटस जो कि आप कहेंगे कि जो फिटस है जो वुम्ब में है, अगर उस फिटस पर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं
और जब जन्म लेता है तो वो हेयर शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब जब तक वो वुम्ब में रहता है, गर्भ में रहता है, तब तक उस पर बहुत सारे हेयर्स निकले रहते हैं। लेकिन जब बर्थ का समय होता है वो हेयर्स उस पर से क्या होते हैं, हट जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लनुगो। लनुगो क्या होता है, जिसका हेयरी फीटस होता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ फीटस, most of the body of fetus is covered with downy hairs। ये downy hairs से covered होते हैं, covered with downy hairs, generally shed before birth। बर्थ से पहले ये क्या होते हैं, ये शेड कर जाते हैं, जनरली शेड बिफोर बर्थ। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ फीटस इज कवर्ड विथ डाउनी हेयर्स और जनरली शेड बिफोर बर्थ। उम्मीद करते हैं लनुगो याद रहेगा आप सभी लोगों को। नेक्स्ट टर्म है, बहुत ही अच्छा है, बाइंडिन। बाइंडिन को जानिएगा, इट इज अ प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम। बाइंडिन इज अ प्रोटीन, यह एक प्रोटीन होता है ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का प्रोटीन होता है बाइंडिन। क्या होता है बाइंडिन? एक्रोसोम का प्रोटीन होता है। आपसे पूछा जाए बाइंडिन क्या है, आप बताएंगे प्रोटीन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का प्रोटीन होता है विच इंश्योर दैट जो इंश्योर करता है the egg is being fertilized with the sperm of same species। ये बाइंडिन एक प्रोटीन होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेक करता है, इंश्योर करता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसमें जो स्पर्म, जिस स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन किया है वो उसी सेम स्पीसीज का है या नहीं। अगर सेम स्पीसीज का है तो जाइगोट बनेगा, और अगर सेम स्पीसीज का नहीं है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होने नहीं देता। तो बाइंडिन क्या है, बाइंडिन इज अ प्रोटीन ऑफ एक्रोसोम। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, बाइंडिन इज ऑप्शन हो सकता है, प्रोटीन ऑफ एक्रोसोम। जब आपके सामने ऑप्शन होगा कि ये प्रोटीन ऑफ एक्रोसोम होता है तो आप सभी का आंसर करेक्ट होगा कि प्रोटीन ऑफ एक्रोसोम। डन जी। हां विनय मैनी जी, उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों के क्लियर। टेल मी फर्स्ट, क्लियर टू ऑल आर नॉट? जी बताने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल्स। जी क्लियर संध्या जी, रश्मि कटारिया जी, जी कहकशा खान जी, सुरभि जी, अंजलि त्रिपाठी जी, मनोज कुमार जी, प्रतिमा उपाध्याय जी, जी श्रद्धा मिश्रा जी। ये एक तरीका है थोड़े से और पॉइंट पहुंचाने का, ये एक तरीका है थोड़े से और पॉइंट पहुंचाने का आप तक। आज हम आपसे बात करेंगे, पहले ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये 10 पॉइंट्स आप तक पहुंच गए हैं। संपूर्ण समाधान सीरीज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी के लिए टारगेट 24 सेकेंड बैच शुरू किया गया है। आप में से जिन लोगों ने आज एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की है वो सभी लोग टाइम टेबल मिल गया होगा। मॉर्निंग की क्लास आपकी 9:40 पर है, मॉर्निंग की क्लास 9:40 पर है, जिसमें हम सभी लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। और आज हम सभी लोगों ने समझा है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, आज हम सभी लोगों ने समझा है प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। तो जो लोग आज एडमिशन की प्रक्रिया पूरा किए हैं वो सभी लोग इन दोनों टॉपिक्स को, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इवनिंग में अभी क्लास चलेगी 6:40 पर, जिसमें हम सभी लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। और आज एक्सक्रीशन में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यूरिया
फॉर्मेशन। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन में आज सीखेंगे कि क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्या होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। मुझे कहीं कहीं से लगता है कि आज अभी आपको जब हम आपसे क्वेश्चन करा लेंगे तो 5-10 मिनट में यूरिन फॉर्मेशन की उन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सभी का खूब बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, नो डाउट एट ऑल, आप सभी का सब चीज क्लियर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो 8-10 पॉइंट हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे और वेरी फास्ट पहुंचाएंगे। सभी लोग तैयार हैं ना? अभी नहीं, क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में पांच से दस मिनट चाहिए, और वो 5-10 मिनट में हम आप तक ये टॉपिक के अच्छी चीजें पहुंचा देंगे जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूजन में रहें। और आप में से जो लोग अभी तक इस बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनका टारगेट है 2024 का एग्जाम देना, दोस्तों आपको पता है या नहीं पता है, यू डोंट आर नॉट, बट आई नो वेरी वेल, 2024 में आपको टीजीटी का एग्जाम देना है, पीजीटी का एग्जाम देना है, आपको एलटी का एग्जाम देना है, आपको जीआईसी का एग्जाम देना है, केवीएस का एग्जाम देना है, एनवीएस का एग्जाम देना है, आपको एपीएस का एग्जाम देना है, अगर अदर बिहार का एग्जाम देना है, आपको इतने एग्जाम देने हैं। आप में से जो लोग इल्यूशन या भ्रम में जी रहे हैं अपनी जिंदगी, जो भ्रमित होकर के जिंदगी जी रहे हैं कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, वो थोड़ी सी आंखें खोलें, डे लाइट करें, डे लाइट में देखें तो आपको दिखेगा कि टीजीटी का एग्जाम 2024 में होना है, एलटी का एग्जाम होना है, जीआईसी का एग्जाम होना है, केवीएस का एग्जाम होना है, एनवीएस का एग्जाम होना है, एपीएस का एग्जाम होना है, बिहार का एग्जाम होना है। टोटल कितने एग्जाम होने हैं? 4-3-7। आपको चाहिए क्या? वन सिलेक्शन, केवल एक सिलेक्शन चाहिए। इस 7 एग्जामिनेशन में आपको केवल और केवल एक सिलेक्शन चाहिए, नथिंग एल्स। अगर किसी का टीजीटी में हो जाता है तो वो टीजीटी की जॉब तो करता ही है, लेकिन जीआईसी फिर भी ट्राई करता है, केवीएस फिर भी ट्राई करता है। और आप में से कई सारे लोग होंगे जो इसमें हैट्रिक मारेंगे, 3 सिलेक्शन कम से कम लेंगे। तो जो लोग हमारे पुराने लोग हैं, ओल्ड बैच के लोग, माइंड मैप बैच के लोग, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लोग, और गोल्ड बैच के लोग, और टारगेट 24 फर्स्ट बैच के लोग, टारगेट 24 सेकेंड बैच के लोग, ये लोग जो हैं, इनको चाहिए कि अपनी मेहनत दुगुनी कर दें, मेहनत को दोगुनी कर दें, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कंटिन्यू करें। ये सारे एग्जाम 2024 में देने हैं, और आप में से जिन लोगों को और एग्जाम देना है वो सभी लोग बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, लिख कर भेजें ज्वाइन बायोलॉजी। और जो लोग आज मॉक टेस्ट में जुड़े हैं वो सभी लोग अब ये जानते रहे कि लगभग 22 मॉक टेस्ट आप तक पहुंचने वाले हैं। अब जिन लोगों को एग्जाम देना है ईएमआरएस का, जिन लोगों को एग्जाम देना है बिहार पीजीटी का, वो सभी लोग पूरे प्रेशर के साथ मॉक टेस्ट करें, 2-2 मॉक टेस्ट पहुंचेंगे उन्हें सॉल्व करें। और जो होशियार कैंडिडेट हैं, जिनको एग्जाम नहीं देना है, जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिनको टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, जो ये लोग हैं, तो ये लोग जो एडमिशन लिए हैं मॉक टेस्ट से, वो आराम से एक मॉक टेस्ट डेली करेंगे, वो आराम से एक ही मॉक टेस्ट करें और अपना रिविजन का काम करते रहें। जी, उनके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, वो आराम से, खूब आराम से जनवरी फरवरी तक मॉक टेस्ट करते रहें, क्योंकि मॉक टेस्ट की वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 मंथ्स तक है, आप इन्हें 6 मंथ्स में कंप्लीट करें, नो डाउट। लेकिन ये मॉक टेस्ट आपके लिए इस एग्जाम में काफी कारगर होगा, इसलिए आप लोग आराम से करिएगा। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग तेजी से करेंगे, 2-3 बार करेंगे, और जो लोग अभी तक लापरवाही में जुड़ नहीं पाए हैं, 518 रुपए बचा रहे हैं, उनका जब करेगा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, डिटेल जाएगी, मॉक टेस्ट से जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन कल हम सभी लोगों ने 45 तक किया था,
आज हम सभी लोग 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। जी जी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कौन करता है? कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कौन करता है? कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कौन करता है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोवा, सिलिंट्रेटा। बच्चा बच्चा जानता है इट फॉर्म्ड बाय सिलिंट्रेटा। इसको कौन फॉर्म करता है? इसको सिलिंट्रेटा फॉर्म्ड करता है और लगभग सभी का करेक्ट आंसर है सिलिंट्रेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन देयर, क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन देयर, कहां पाई जाती हैं? कहां पाई जाती हैं? और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स कहां पाई जाती हैं मछलियों में। तो आप सभी का आंसर आएगा सर जी मछलियों के गिल्स में पाई जाती हैं। क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन द गिल्स ऑफ फिशेस, ये मछलियों के गिल्स में पाई जाती हैं। लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, नो डाउट एट ऑल। फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड इज सून रीस्टोर्ड बिकॉज द, खून की कमी के कारण ब्लड प्रेशर में गिरावट जल्द ही बहाल हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड, किसी के ब्लड में कमी है, अगर किसी को ब्लड की कमी है तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो रिस्टोर्ड हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ब्लड जो होता है, ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स डाइल्यूट हो जाती हैं। आप कहेंगे ये कौन सी कहानी है सर, ब्लड वेसल डाइल्यूट हो जाते हैं? नो, ब्लड सेल्स डिक्रीज इन नंबर, ब्लड सेल संख्या में कम हो जाती हैं। नो, हार्ट को तेजी से काम करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए हार्ट को, हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड, हार्ट बीट को बढ़ाना पड़ता है। जब हार्ट बीट बढ़ती है तो अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, ये गिरावट बहाल हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है? उसको मेंटेन करने के लिए आप बताएंगे जी, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट बीट इंक्रीज की जाती है। फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड इज सून रिस्टोर्ड बिकॉज द हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड। द फीडिंग ज्वाइंट्स, आसान क्वेश्चन है, द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज, ओबिलिया का फीडिंग ज्वाइंट्स क्या कहलाता है? फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबिलिया के रूप में जाना जाता है। अगर यहां पर ऑप्शन दिया होता हाइड्रेंथ तो ज्यादा सटीक आंसर होता हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ ऑप्शन में नहीं है, हाइड्रेंथ ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा पॉलिप। हाइड्रेंथ ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा पॉलिप। अगर हाइड्रेंथ ऑप्शन में होता तो उसका सही आंसर क्या होता? उसका सही आंसर होता हाइड्रेंथ। अगर हाइड्रेंथ ऑप्शन में होता तो सही आंसर क्या होता? सही आंसर होता, आप सभी लोग बताएंगे, अगर हाइड्रेंथ होता तो सही आंसर होता, जी रीना सिंह जी, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जी, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिप इज द राइट आंसर, पॉलिप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन जेनेटिक कोड अ कोडॉन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट्स। कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड में कोडॉन जो होता है वो किस डीएनए सेगमेंट को दिखाता है या किस डीएनए सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है? कोडॉन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जी यू जी। ये क्या है? ये सेट ऑफ थ्री बेसिस है, सेट ऑफ थ्री नाइट्रोजिनस बेसिस है। ये क्या है? सेट ऑफ थ्री नाइट्रोजिनस बेसिस है, दीज आर कॉल्ड कोडॉन। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कोडॉन के नाम से जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू, जो ग्रीन हाइड्रा होता है उसका जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? बताया था ग्रीन हाइड्रा का कलर ग्रीन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? हरे हाइड्रा का रंग, हरा रंग किसके कारण होता है? हर कोई जानता है सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गा जू क्लोरेला के कारण इसका रंग हरा होता है। किसके कारण? सिम्बियोटिक। जी उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गा जू क्लोरेला के कारण इसका रंग क्या होता है? इसका रंग हरा होता है। और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि इसका रंग हरा क्यों होता है। ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड, ओविपेरस मैमल्स किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे? परमियन में, ट्राइएसिक में, जी जुरैसिक में या क्रेटेशियस में, किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे? बच्चा बच्चा जानता है ट्राइएसिक पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ, तो आप बताएंगे ओविपेरस मैमल्स ये ओरिजिनेट हुए थे ट्राइएसिक पीरियड में। किस पीरियड में? ट्राइएसिक पीरियड इज द राइट आंसर। तो लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा ट्राइएसिक पीरियड इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा ट्राइएसिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ प्यूरिन्स, इसमें से कौन है जो दोनों प्यूरिन्स हैं? प्यूरिन्स को याद करने का तरीका बताया था कि प्यूरिन्स मतलब पूरी कौन खाएगा, पूरी किसको मिलती है? ए जी को मिलती है, ए जी पूरी खाएंगे, ए जी मतलब एडिनिन, जी मतलब गुआनिन। तो जहां पर लिखा होगा एडिनिन और गुआनिन वही क्या है? वही प्यूरिन है, और जो बचे वो पिरामिडिन है। इसके अलावा जो बचे वो पिरामिडिन है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को याद होगा कि प्यूरिन किसमें आता है, सभी लोगों को याद होगा न्यूक्लियोसाइड में कौन होता है? न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं प्लस शुगर होती है। न्यूक्लियोसाइड में तीनों होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होती है, शुगर होती है और फास्फेटवा भी होता है। कौन? फास्फेटवा। ये तीनों होते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जब दोनों होते हैं तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। कौन सा नहीं होता है? फास्फेट नहीं होता है। तो याद रखना है ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब एग्जामिनेशन में आप अकेले बैठे होते हैं तो कभी कभी आपके लिए दिक्कत क्रिएट करती हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये किसी फॉर्म में किसी तरीके से छोटी छोटी बातें आपके साथ कोई भी मुसीबत क्रिएट करें और आसानी से आप इन्हें हैंडल कर ले। प्यूरिन, पिरामिडिन, ये सब आपको एकदम डिट्टो, जेनेटिक कोड ये सब एकदम डिट्टो होना चाहिए। देखिए आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन हाल में काफी परेशान करने वाला क्वेश्चन है। जी लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। चीतल पूछा है, चीतल का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बारह सिंघा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? और सांभर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हंगुल का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? समझने की कोशिश करिएगा, आसान सा है। बारह सिंघा पूछे, जब कभी आपसे बारह सिंघा पूछे तो बारह सिंघा के कितनी सिंह होती हैं? आप बताएंगे बारह सिंह होती हैं। लेकिन ये बारह सिंह कहां से निकलती हैं? दो जगह से निकलती हैं, दुआ से निकलती हैं। कहां से? ये दुआ से निकलती हैं, दुआ से। तो दुआ कहां लिखा है? दुआ लिखा है दुआ, ये लिखा है दुआ, दुआ सेली। क्या लिखा है? दुआ सेली। यहां से निकलती हैं, फिर यहां से इसकी सिंह इस तरीके से सिक्स सिक्स में बटी होती है। दुआ सेली याद रहेगा? जी उम्मीद करते हैं कि याद रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए दुआ सेली याद रहेगा तो आप बताएंगे सर याद रहेगा दुआ सेली। तो बारह सिंघा का क्या होता है? बारह सिंघा का होता है दुआ सेली। कितने लोगों को याद रहेगा? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को याद रहेगा कि बारह सिंघा का होता है दुआ सेली। जी डन। बारह सिंघा का क्या हो जाएगा? दो जगह से सिंह निकलती है। वैसे मुझे पता है आप में से सभी लोगों को याद रहेगा, बारह सिंघा में दो जगह से सिंह निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वस दुआ सेली। और चीतल का याद रखिएगा, चीतल का होता है एक्सिस एक्सिस, चीतल का होता है एक्सिस एक्सिस। सांभर, सांभर का याद रखिएगा,
सांभर, सांभर का होता है यूनिकलर, सर्वस यूनिकलर, और हंगुल का होता है सर्वस एलिफस। क्या कहते हैं इसको? सर्वस एलिफस। हंगुल का होता है सर्वस एलिफस। तो बारह सिंघा याद रहेगा, बारह सिंघा याद रहेगा जी। दुआ, दुआ सेली याद रहेगा जी, दुआ सेली याद रहेगा। दो जगह से सिंह निकलती है, तो उम्मीद करते हैं कि याद रहेगा। अगर आप कोई ट्रिक बता रहे हो, बना रहे हो, तो बताइएगा, आपकी ट्रिक भी पब्लिश हो जाएगी। 3125 याद है? ओके, ठीक है ठीक है। ए जी पूरी खाएंगे? हाँ खाएंगे। तो क्या करेंगे? तो पीजी करेंगे। पीजी बोले तो सांभर, सांभर का सर्वस यूनिकॉलर, बारह सिंघा का सर्वस डुआ सेली, चीतल का एक्सिस एक्सिस, याद रहेगा। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, फिल्ट्रेशन प्रेशर ह्यूमन किडनी का कितना होता है जी? मन तो कर रहा है आपको पूरी कहानी समझा दें, तैयार है? फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, ह्यूमन किडनी का फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? कौन बताएगा? कौन है जो इसे बताएगा? टेल मी फास्ट। जी फिल्ट्रेशन थ्योरी, कितने लोग फिल्ट्रेशन प्रेशर, कितने लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आई डोंट नो, लेकिन इसका सही आंसर है 15 mmHg। कितना आंसर है? 15 mmHg, 15 mmHg जी। आप सभी लोगों को कुछ याद है जी? रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है? रीनल ब्लड फ्लो, आपसे कोई पूछे रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, तो आप जानते हैं 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट होता है। रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, तो आप बताएंगे रीनल ब्लड फ्लो होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट, जो 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट होता है। कितना होता है? 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। आप हमसे बताएं कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है जी? उपासना चौहान जी, जी बताने की कोशिश करिएगा। अनुपूर्णा सिंह जी, श्रद्धा मिश्रा जी, जी अंकिता विथ बायो जी, सुरभि जी, अरुण कुमार जी, मधु यादव जी, कोमल भार्गवा जी, माही जी, जी बताने की कोशिश करिएगा कि हाँ बहुत अच्छे। वंदना ठाकुर जी, रियली गुड। प्रतिमा उपाध्याय जी, सच में बहुत अच्छी। सुमित्रा मुर्मू जी, 500 ml कहाँ से आया? ये लगभग जो है 50-40 milliliter होता है, और इसको रखा जाए तो 5 liter होता है। अब भैया जब कार्डियक आउटपुट 5 liter होता है, तो इसका 1/5 कितना होगा? इसका 1/5 करेंगे आप, 5 liter का 1/5 कितना हो जाएगा? लगभग 1000 से 1200। तो यही तो होता है, यही तो होता है। रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है? कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है। डन, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए तो देखिए, तो आपके पास क्या आएगा? इसमें प्लाज्मा कितना होता है? इसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, इसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? कौन है जो बताएगा रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? हु विल टेल, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है? रीनल ब्लड फ्लो 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो कोड कितना होता है, तो कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, सर जी ये जो प्लाज्मा होता है ना ये 55% होता है, 11 का 55% निकालें तो कितना आएगा, 11 का 55% निकालेंगे तो 11 × 55 = 605, 605 × 12 = 60, 660, मतलब लगभग बता सकते हैं कि सर जी ये रीनल प्लाज्मा जो फ्लो होगा वो 600 से 700 होगा, चलेगा भैया, चलेगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने आपको बताया रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा। वैसे आपको पता है ना प्लाज्मा कितना होता है, ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा होता है, 45 से 45% ब्लड कार्पसल्स होते हैं। उस रिफरेंस में यहां पर आप बताएंगे सर जी 600 से 700 मिलीलीटर होता है, डन। रीनल फ्लो प्लाज्मा पूछेगा, बता लेंगे, उम्मीद करते हैं बता लेंगे। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में कहानी सुनाई गई है कि 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और एक दिन का आपको याद है 180 लीटर पर डे होता है, तीन दिन का याद है 540 लीटर वो मकान मालिक की टंकी, तीन दिन में मकान मालिक की टंकी भरने में जितना समय लगता है उतनी किडनी आपका फिल्ट्रेशन करती है। आपकी किडनी एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेशन करती है, आपकी किडनी एक दिन में 180 लीटर का फिल्ट्रेशन करती है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर 180 लीटर फिल्ट्रेशन करती है तो 180 लीटर का 180 लीटर यूरिन नहीं बनता, केवल 1% होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, केवल 1% यूरिन में बदलता है, इसलिए आपका यूरिन 1.5 लीटर तक बनता है। बाकी आप समझिए, बाकी जितना है केवल 1% जो है, मतलब केवल 1% यूरिन का फॉर्मेशन करता है, 179 लीटर फिर से ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा हुआ ऐसा ही होता है, अदरवाइज इसमें से कई सारे लोग होते जो हमेशा वॉशरूम में बैठे रहते, बेचारे बाहर ही ना आते। एक मिनट में 125 मिलीलीटर करता है, 10 मिनट में 1.5 लीटर, आराम से वहीं बैठे रहते, क्योंकि यूरेटर की क्षमता कितनी है, यूरेटर की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 700 से 800 मिलीलीटर है। न जाने कितनी लोग बाहर ही ना आते, एग्जाम तो छोड़िए यहां जीना मुश्किल हुआ रहता। क्लियर जी, बहुत अच्छा हुआ कि इतना फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। तो एक हाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीन है बॉडी में, 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन करती है। यहीं पर आपकी किताबें लिखती हैं ओनली 1%, एक किताब में आपकी एक लाइन लिखा होता है ओनली 1%, कितना, केवल और केवल 1%, ओनली 1% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट GF, ओनली 1% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड इंटू यूरिन, केवल और केवल 1% यूरिन बनता है, एंड 99% बोले तो 179 लीटर रीएब्जॉर्ब्ड, ये फिर से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है बाई ब्लड, ब्लड में ये फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ये लाइन लिखता है। तो एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज 100% करेक्ट, ये लाइन 100% करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मतलब परेशानी नहीं, एकदम 100% श्योरिटी के साथ बताएंगे कि दिस इज द राइट, ये क्या है, ये राइट है, नो कंफ्यूजन एट ऑल, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट 100% सही है। ये क्या पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 100% सही है जी, उम्मीद करते हैं
यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर, डन टू ऑल। आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट आपसे कहता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो आप बताएंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला होता है जी एफ आर अपॉन आर पी एफ, जी एफ आर अपॉन आर पी एफ। जी एफ आर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है 125। रीनल, जी रीनल आपसे पूछा जाए रीनल प्लाज्मा फिल्ट्रेशन कितना है 600 टू 700, यही है। अब इनका परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल लीजिए तो फ्रैक्शन आ जाएगा 125, यहां पर 600 का निकाल लीजिए गुणे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 × 12 लगभग 20%, और 7 से निकाल दीजिए 125 गुणे 700 गुणे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 × 7 = 5, 7 × 7 = 49, 17% लगभग कहा जाता है। इनका फ्रैक्शन 17 से 20% के बीच में आता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कभी पूछे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, आंसर आएगा 17 से 20%। कभी पूछे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, आंसर आएगा कि यह होता है लगभग 17 से 20%। याद रहेगा कि कोई भूलेगा जी, उम्मीद करते हैं कि किसी को भूलना नहीं चाहिए। कितना होता है 17 से 20%। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितना होता है नेट फिल्ट्रेशन, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन या नेट फिल्ट्रेशन, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन या नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन या नेट फिल्ट्रेशन जो आपसे पूछा गया था, तो आप बताएंगे इसका फार्मूला होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस उसके बाद बोमेन कैप्सूल BCOP प्लस, उसके बाद आप बताएंगे कोलोइडल बी, और उसके बाद आप बताएंगे कोलोइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना होता है, ये 60 होता है, ये कितना होता है, ये 30 होता है, ये कितना होता है 20 होता है। 60 में से 20 माइनस करेंगे, 60 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 mm ऑफ HG, इतना आ जाएगा। इसीलिए इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन कितना होता है 10 mm HG होता है, वहां करीब का आंसर था 5 mm ऑफ HG, इसलिए इसका सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर हो गया 15 mm HG, करीब का आंसर था। अब आप कहेंगे सर जी ये थोड़ा सा कम समझ में आया कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ये जो आपने बताया बोमेन कैप्सूल वाला प्रेशर, ये आपने कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया, ये क्या होता है थोड़ा सा समझा दीजिए। समझाएंगे 15 क्वेश्चन और कर लीजिए फिर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया 15 mm HG, यहां पर 10 होता तो वो भी सही होता। अभी हम आपको समझाते हैं दोनों प्रेशर क्या होते हैं, डोंट वरी जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साक्षी भारती जी, जी सोनम राजपूत जी, अंजलि त्रिपाठी जी, जिया पाल जी, लोकेश शर्मा जी, सौरभ मौर्या जी, जी विनय मैनी जी, अभिषेक गिरी जी, जी उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। बताने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, कौन सा एनिमल है जिसके पास नर्वस सिस्टम तो है लेकिन उसके पास बेचारे के पास ब्रेन नहीं है। नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, ये बेचारा कौन है, ये बेचारा है हाइड्रा। इसमें दोनों डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होता है। इसके पास नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है। नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, नॉन लिविंग सेल इज नोन टू बी विदाउट, नॉन लिविंग सेल विदाउट होती है। निर्जीव कोशिका के बिना जाना जाता है, निर्जीव कोशिका को के बिना जाना जाता है, निर्जीव कोशिका को न्यूक्लियस के बिना जाना जाता है, निर्जीव कोशिका को नॉन लिविंग सेल को न्यूक्लियस के बिना जाना जाता है। किसके बिना जाना जाता है, न्यूक्लियस के बिना जाना जाता है, नॉन लिविंग सेल को न्यूक्लियस के बिना जाना जाता है।
एफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। एफायरा लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? इन विच लाइफ साइकिल एफायरा लार्वा इज फाउंड। बच्चा बच्चा जानता है सर जी एफायरा में आर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑरेलिया का है। एफायरा में क्या आ रहा है? आर आ रहा है, इसलिए ये किसका है? ये एफायरा का है। तो सभी लोग याद करेंगे, जो जो ट्रिक बता के पढ़ाया हूं क्लास में, वो सारी ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा, काफी कुछ अच्छा होने वाला है। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस में, नहीं पाया जाता है राइबोसोम में, प्लास्टिड्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चे बच्चे का आंसर आ रहा है द राइबोसोम इज द राइट आंसर। राइबोसोम इज द राइट आंसर, और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है कि राइबोसोम इसका सही होगा। राइबोसोम में कोई भी न्यूक्लियर डीएनए नहीं पाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, बर्ड्स एंड बैट्स आर गुड फ्लायर्स, दोनों बहुत अच्छा उड़ते हैं। पक्षी और चमगादड़ अच्छे उड़ने वाले होते हैं, लेकिन चमगादड़ पक्षियों से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ में ये मैमल कैटेगरी का है, इसके अंदर डायाफ्राम पाया जाता है, इसलिए ये भिन्न होता है। और आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा होगा इसमें डायाफ्राम पाया जाता है इसलिए भिन्न होता है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं अभी तक किसी कारण बस टारगेट 24 बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, यथा शीघ्र बैच से जुड़ने की कोशिश करें, 2024 में एग्जाम देना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सभी लोग 8756703588 पर ज्वाइन बायोलॉजी लिखकर भेजें और अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। द ग्रोथ ऑफ ओबिलिया कॉलोनी इज, ओबिलिया कॉलोनी की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? ओबिलिया कॉलोनी की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? बच्चा बच्चा जानता है रेसिमोस टाइप की होती है। कैसी होती है दोस्तों? सब कोई जानता है कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है, रेसिमोस टाइप की होती है। सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा इसकी ग्रोथ कैसी होती है, रेसिमोस टाइप की होती है। और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर है रेसिमोस टाइप की होती है। जी रेसिमोस टाइप की होती है, बताने की कोशिश करिएगा रेसिमोस सही है या सिंपोडियल होती है, दोनों में समझ लीजिएगा फिर बताने की कोशिश करिएगा रेसिमोस होती है या सिंपोडियल होती है। जी उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को समझना है और समझ के बताना है। रेसिमोस टाइप की बॉटनी वाले सेक्शन में है दोस्तों, इसका सही करिएगा सिंपोडियल होती है। ओबिलिया में जो ग्रोथ होती है वो सिंपोडियल होती है। जी ऑरेलिया की बात करें तो ऑरेलिया में आप देखते हैं कि उसमें जो है आपको बाइपोडल बाइरेमस ये देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सिंपोडियल होती है। सही कर लीजिएगा, इसकी ग्रोथ सिंपोडियल होती है। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, पॉइंट म्यूटेशन में होता है डिलीशन होता है, इंसर्शन होता है, डुप्लीकेशन होता है या चेंज इन सिंगल बेस पेयर। तो सभी को याद रहना चाहिए पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर में चेंजेस होते हैं। चेंज इन सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और उम्मीद करते हैं लगभग आप सभी लोगों का आंसर करेक्ट होगा सिंगल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेंसरी सेल ओबिलिया इज, ओबिलिया में सेंसरी सेल कौन सी होती है? सेंसरी सेल इन ओबिलिया इज, हम सभी लोगों ने पढ़ा था स्टैटोसिस्ट होती है। क्या होती है? स्टैटोसिस्ट होती है जो सेंसरी सेल होती है, लेकिन अफसोस इसमें स्टैटोसिस्ट तो दिया नहीं है। तो स्टैटोसिस्ट जो होता है वो ओटोलिथ का बना होता है। ओटोलिथ से ये समझ में आया कि ये लिथोसाइट सेल का पाया जाता है, इसलिए इतनी दूर से आंसर निकाला गया लिथोसाइट सेल्स होती है। वैसे इसका सही आंसर है स्टैटोसिस्ट, और स्टैटोसिस्ट जब नहीं दिया है तो हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए स्टैटोसिस्ट के घराने में। जब उसके घराने में हम लोगों ने जांच किया तो पता चला कि स्टैटोसिस्ट जो है ये ओटोलिथ का बना होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, और ओटोलिथ का यहां से चुराया कि अच्छा ओ माय गॉड इसमें लिथोसाइट सेल्स होती है। डन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 64 आपकी स्क्रीन पर। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सिलरेट द हार्ट बीट। भैया जब कभी पूछे एक्सिलरेट द हार्ट बीट,
हार्ट बीट को एक्सिलरेट कौन कर देता है? तो आप बताएंगे सर जी हार्ट बीट को एक्सिलरेट कर देता है, दो ही तो हार्मोन है, एक को एड्रिनलिन कहते हैं, एक को नॉर एड्रिनलिन कहते हैं। ऑप्शन में आप सभी लोग देख रहे होंगे, एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन जो भी होगा वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देख करके आंसर्स पर थिंकिंग करनी है, और जब आप आंसर्स पर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे आप अच्छा फील करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रिलीज ऑफ नॉर एड्रिनलिन। नॉर एड्रिनलिन को रिलीज करता है ट्यूनिका डार्टस, नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं आप लोग। ट्यूनिका डार्टस, ट्यूनिका डार्टस इज लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड होता है? स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन स्क्रोटम, इट इज लोकेटेड इन स्क्रोटम जी, इट इज लोकेटेड इन स्क्रोटम। कहां लोकेटेड होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, स्क्रोटम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 भैया, लेनोलिन वैक्स, लेनोलिन वैक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेनोलिन वैक्स, मुझे लगता है कि राजस्थान पीसीएस में पूछा था लेनोलिन वैक्स। ये लेनोलिन वैक्स जो है शीप से निकाला जाता है, शीप जो वूल जन्म वूल जिससे निकाला जाता है, शीप वूल मतलब भेड़ से जो ऊन बनता है उसी ऊन को बनाने के लिए लेनोलिन वैक्स का यूज किया जाता है। तो ये कहां से मिलेगा? जिसमें एनिमल्स लिखा है वही सही है। क्यूटेनियस ग्लैंड, क्यूटेनियस ग्लैंड की जगह पर कभी कभी सीबेसियस ग्लैंड भी आ सकता है, सीबेसियस ग्लैंड ऑफ शीप, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप शीप भेड़ के। तो आप जानते रहिएगा लेनोलिन वैक्स जो है ये भेड़ से निकाला जाता है, किससे? ये भेड़ से निकाला जाता है। कुछ लोग भीड़ ना याद करने लगा इसलिए हमने क्या लिख दिया है, इसलिए हमने लिख दिया है शीप। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। लेनोलिन वैक्स याद रहेगा। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस, क्रियाशील जीनों के खिंचावों को जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चा बच्चा जानता है द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन इज कॉल्ड जीन मैन्युपुलेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन मैन्युपुलेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जीन मैन्युपुलेशन, इसे हम लोग जीन मैन्युपुलेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जीन मैन्युपुलेशन, इसे हम लोग जीन मैन्युपुलेशन कहते हैं। अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं टिक कर दिया स्प्लाइसिंग, नहीं तभी कूटते उसको। इन प्रोफेस ऑफ मियोसिस काइजमेटा आर ड्यू टू, कह रहे हैं कि प्रोफेस ऑफ मियोसिस काइजमेटा इज ड्यू टू, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस की किस्माटा के कारण होता है। काइजमाटा होता है किसके कारण? क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्रॉसिंग ओवर इज द कॉज ऑफ काइजमेटा, काइजमेटा का फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर है कि यह किसके कारण होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां होता है? भैया याद रखिएगा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में प्रेजेंट होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में प्रेजेंट होता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? पोन्स में। जो लोग सेरिब्रम है कूटेंगे भी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये प्रेजेंट होते हैं पोन्स में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाए जाते हैं? पोन्स में पाए जाते हैं। इन कोलन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड, उस स्मॉल पॉकेट्स को क्या कहते हैं बताइएगा? इन कोलन, कोलन में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स, उस स्मॉल पॉकेट्स को क्या कहते हैं? द स्मॉल पॉकेट इज कॉल्ड हॉस्टरा इन विच सिम्बियोटिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। कोलन रीजन में इसे क्या कहते हैं? हॉस्टरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हॉस्टरा कहते हैं। भैया क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन ये प्रेजेंट कहां होता है? ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द कोलन, दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसे हॉस्टरा कहते हैं। एक क्वेश्चन काफी आसान सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स यूजुअली कोड्स फॉर वेलिन,
कौन सा कोडॉन है जो वैलिन को कोड करता है, मतलब कौन है जो वाल को कोड करता है, तो आप बताएंगे वाल को कोड करता है जीयूजी। कैन आल्सो कोड फॉर फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन, और ये फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन को भी कोड करता है, तो आप बताइएगा जीयूजी है जो वैलिन को कोड करता है, फॉर्मुलेटेड मिथ्योनिन को भी कोड करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है ए। सी वॉलनट, सी वॉलनट का नाम आता है तो आपको बायोलुमिनेसेंट सेल याद आता है, आपको कॉम्ब कॉम्ब जेली याद आता है, आपको टीनोफोरा याद आता है जी, आपको जो है और क्या याद आता है, क्या याद आता है, टीनोफोरा कॉम्ब जेली जी, वॉलनट जी, बिरुई भी ना था ना एग्जाम्पल में, बिरुई बिरुई भी याद आता है जी, इसका सही आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। बिरुई याद आता है नहीं आप लोगों को? हमें तो याद आया बिरुई, बिरुई याद आया कि नहीं, हमें तो बिरुई बहुत तेज याद आया। हाँ सीडीपिड लार्वा भी याद आता है जी, सीडीपिड लार्वा भी याद आता है जी, ओके याद आना चाहिए। अच्छी बात तो ये है, सोचने की थिंकिंग डेवलप करना है। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, कौन सा फेज है सेल साइकिल का जिसमें मल्टीप्लीकेशन टेक प्लेस होता है क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया का, दोनों भाईजान का मल्टीप्लीकेशन किसमें होता है, दोनों भाईजान है इनका मल्टीप्लीकेशन कहां होता है, जी टू में, कहां होता है जी टू में जी, जी टू में होता है, दोनों भाईजान का मल्टीप्लीकेशन कहां होता है, जी टू में होता है, किसका किसका, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहां होता है, तो आप बताइएगा दोनों भाईजान का मल्टीप्लीकेशन जी टू में होता है और ब्रेन का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन संभालता है इस क्वेश्चन को। हमें चुपचाप रहना होगा और आप में से देखते हैं कि आप में से कौन लोग हैं जो इस क्वेश्चन को संभाल देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपने हवा दे दी तो समझ जाएंगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा जी। अगर आप आपने इस क्वेश्चन को हवा दे दी तो समझ जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। दे दीजिए हवा। अरे प्रवेश जी करवा देंगे, डोंट वरी करवा देंगे। एक दिन टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी हो जाएगा, ट्यूजडे टैक्सोनॉमी, ट्यूजडे टी फॉर टैक्सोनॉमी, टी फॉर ट्यूजडे, डोंट वरी जी। अभी ये सीरीज बन चुकी है इसलिए इसको कंप्लीट करा दे रहे हैं। आंसर आने शुरू हो गए, लोगों ने ज्यादा तादाद में आंसर बी कर दिया है, देखते हैं बी सही है। प्रोटो स्पॉन्जिया, प्रोटो स्पॉन्जिया देखते ही प्रोटोजोवा टिक हो गया। डी का फोर, अरे भैया डी का फोर तो आ ही नहीं रहा बी में, अजीब हाल है। प्रोटीरो स्पॉन्जिया जी, अब क्या किया जाए, प्रोटीरो स्पॉन्जिया, प्रोटीरो स्पॉन्जिया प्रोटोजो, मतलब पहले ही आपका गलत हो गया, गंदे। टीलोगोनिक गोनेट्स, दुनिया जानता है टीले पर गोनेट्स किसमें होता है, स्कैरिस में, बेहद फेमस है। मोनोस्टाइकोडोंट जा हिरोडोनिया में पाया जाता है, सब जानते हैं। प्रोमिनेडी आर्डुअक्स, ये पाया जाता है आपका किसमें, तो आप बताएंगे इसका होता है पालमनियस, पालमनियस में पाया जाता है। मतलब जो चीज सब लोग जानते हैं वही चीज आप नहीं जानते हैं। इसका राइट आंसर है ए। हमको पता था कि नया क्वेश्चन है, ये आपका दिमाग खराब करेगा, तो कम से कम दो चीज याद रख ले, ये तो याद ही होना चाहिए था, प्रोटीरो स्पॉन्जिया किसका है, प्रोटोजोवा का टिक करते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगस नर्व इज, हमारे शैलेंद्र भैया ने यहां थोड़ा सा आप लोगों की मदद कर दी है जी, नहीं तो अभी सारी मदद निकलती। वेगस नर्व इज स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, एक्स क्रेनियल नर्व, आप समझ गए होंगे दसवें नंबर की क्रेनियल नर्व्स जी, आसान हो गया।
जी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है, ये क्रेनियल नर्व्स है जी, ये क्रेनियल नर्व्स हैं जी। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, द फंक्शन ऑफ लॉरल्स कैनाल, बहुत अच्छा ये तो सबका सही होगा, द फंक्शन ऑफ लॉरर कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका इज, लॉरर कैनाल्स का फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज कॉपुलेटरी पासेस, ये कॉपुलेटरी पासेस की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, कॉपुलेटरी पासेस की तरह काम करता है, इट एक्ट एज कॉपुलेटरी पासेस, ये कॉपुलेटरी पासेस की तरह काम करता है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी, इसमें से कौन सा डिवीजन का है, कौन सा डिवीजन है, कौन सी स्टेज है माइटोटिक सेल डिवीजन की जिसमें क्रोमोसोम भैया अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेते हैं, मतलब क्रोमोसोम को कोई पहचान ही नहीं पाता है, तो आप बताएंगे, दिस इज द टीलोफेज। पहचानने के लिए तो बाप दादा मम्मी पापा सब आते हैं और पहचान लेते हैं मेटाफेज में, ये मेटाफेज में आया कि इसको सब पहचान लेते हैं, अंधे गूंगे लंगड़े सब, लेकिन जब टीलोफेज में जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, इसकी आइडेंटिटी खो जाती है, टीलोफेज अवस्था में ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का आंसर आ रहा होगा जी, उम्मीद करते हैं यहां तक का करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर, ऑन्कोजीन्स वर डिस्कवर्ड बाय, ऑन्कोजीन को किसने डिस्कवर्ड किया था, हु डिस्कवर्ड ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन को किसने डिस्कवर्ड किया था, जी किसने डिस्कवर्ड किया था, बिशप जी, लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बिशप इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑन्कोजीन को डिस्कवर्ड किया था विशप ने, किसने डिस्कवर्ड किया था, विशप ने डिस्कवर्ड किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा, एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, एलोजेनेसिस एक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यह किसमें पाया जाता है, एलोजेनेसिस, एलोजेनेसिस is a type of alternation of generation, it is found in liver fluke, किसमें पाया जाता है, liver fluke में पाया जाता है, allogenesis is a type of alternation of generation, ये alternation of generation का एक type है जो, जी alternation of generation का एक type है जो किसमें पाया जाता है, liver fluke में पाया जाता है, liver fluke is the right answer, match the following, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कौन लोग हैं जो इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट किसको जोड़ता है, हिंज ज्वाइंट किसको जोड़ता है, पाइवोट ज्वाइंट किसको जोड़ता है, सेटल ज्वाइंट्स जो हमारे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हैं उसको सेटल जोड़ता है, सेडल, सेडल किसको जोड़ता है, कार्पल मेटाकार्पल ऑफ थंब को जोड़ता है, पाइवट, पाइवट किसको जोड़ता है, आप बताएंगे पाइवट जो है ये एटलस और एक्सिस को जोड़ता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंज किसको जोड़ता है, बच्चा बच्चा जानता है घुटने को जोड़ता है, बॉल एंड सॉकेट किसको जोड़ता है, तो सभी लोग याद रखना ये बॉल एंड सॉकेट फाइव को जोड़ता है, किसको, फाइव को जोड़ता है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, और आपका सही आंसर हो जाएगा ए जी, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए। आप में से जो लोग मॉक टेस्ट में नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मॉक टेस्ट पर जुड़ जाइए, दोस्तों 140 क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो लोग मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं जिस दिन भी वो मॉक टेस्ट से जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए अचानक आपको सुनने को खबर मिले 2 दिसंबर को ये पता चले कि आपका एग्जाम 15 जनवरी को है, आपको ये पता मिले कि आपका एग्जाम 15 जनवरी को है, तो जितने टीजीटी वाले हैं
वो फटाफट मॉक टेस्ट में जुड़ने लगेंगे, टीजीटी पीजीटी वाले मॉक टेस्ट में जुड़ने लगेंगे। और फर्स्ट डे ऑफ मॉक टेस्ट क्या होगा, आप में से चाहे जो हो, फर्स्ट डे ऑफ मॉक टेस्ट, फर्स्ट डे ऑफ मॉक टेस्ट आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा 70 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट उड़ के आएगा 42। 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट 42 से ऊपर आ गया तो बताइएगा, हम 100% श्योर है। ये मॉक टेस्ट में फ्लक्चुएशन चल रहा है, जो लोग दे रहे हैं उनकी 4 घंटे पढ़ाई बढ़ गई है, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि ऐसे अंधे में काम नहीं चलता है, पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन भी आप मॉक टेस्ट देंगे, वादा है मेरा कि 70 में 42 ही पहले मॉक टेस्ट में सही होगा। ये आपकी असलियत बताएगा, ये ना तो आपको किसी से कॉपी चेक कराना है ना तो कुछ करना है। जैसे आप 70 क्वेश्चन को टिक करेंगे वहां आ जाएगा 42 सही और 28 गलत। 28 जब आप रॉन्ग देखेंगे ना, रोए खड़े हो जाएंगे आप कि इतनी बुरी दशा चल रही है। हाँ चल रही है, ये दशा ओपन होगी जिस दिन आप मॉक टेस्ट देंगे, क्लियर। ये तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, नहीं तो यहां पर हम सबके नाम का मॉक टेस्ट करवा देते और बताते जोर जोर से कि इतना इनका सही है, इतना इनका सही है। हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, कौन सा हार्मोन है जो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, दिस इज सिक्रेटिन। पैंक्रियाटिक जूस के स्टिमुलेशन को कौन है जो बढ़ाता है, जी उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा कि इसका सही आंसर है सिक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज कॉमनली नोन एज हॉर्न्ड टोड एंड इज फाउंड इन द डिजर्ट ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, इसमें से किसको हॉर्न टोड कहा जाता है, जो डिजर्ट ऑफ किस में पाया जाता है, जो डिजर्ट ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको में पाया जाता है, जो डिजर्ट ऑफ यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्राइनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डार्क स्टेनिंग बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ, कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला गहरे रंग का बार शरीर किसका संशोधन से बनता है, एक्स क्रोमोसोम से बनता है। कौन है जो बार बॉडी को बनाता है, वो एक्स क्रोमोसोम है जो बार बॉडी को बनाता है। लार्वा ऑफ वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई इज, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के लार्वा को किस नाम से जानते हैं, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई के लार्वा को किस नाम से जानते हैं, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है माइक्रोफाइलेरी लार्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोफाइलेरी लार्वा के नाम से जानते हैं। लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोफाइलेरी लार्वा के नाम से जानते हैं। सभी लोगों का आंसर आ रहा है माइक्रोफाइलेरी लार्वा के नाम से जानते हैं, जी उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट है। 2085 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, इसमें से कौन सा सिक्रीशन है, इसमें से कौन सा सिक्रीशन है, इसमें से कौन सा सिक्रीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, आंसर विल बी बाइल। बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। दोस्तों टारगेट 24 बैच चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है आपके लिए, टारगेट 24 सेकेंड बैच है, मॉक टेस्ट है आपके लिए, श्योर टेस्ट सीरीज है, श्योर टेस्ट सीरीज है आपके लिए, जो है आप एनसीईआरटी बैच है, आपको जिस बैच में जुड़ना है आप सभी लोग पहले न्यू एंट्री मंगा लेंगे। जो लोग पहले से एंट्री मंगा के बैठे हैं वो लोग अब न्यू एंट्री मंगाएंगे और लिख करके 8756703588 पर लिख करके भेजेंगे ज्वाइन बायोलॉजी। ज्वाइन बायोलॉजी में आप जिससे जुड़ना चाहते हैं, टारगेट 24 से, मॉक टेस्ट से, श्योर टेस्ट सीरीज से, एनसीईआरटी से, जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं आप सभी लोग नई एंट्री मंगाएंगे और नई एंट्री जब मंगाएंगे तो आपके पास डिटेल भेजी जाएगी। उस डिटेल में आप जो है उसी डिटेल के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे।
और स्क्रीनशॉट भेज करके बैच से जुड़ेंगे। तो सभी लोग जो आज से एडमिशन की प्रक्रिया अपनी पूरी करने वाले हैं, वो सभी लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करेंगे, लिख करके ज्वाइन बायो भेजेंगे। ये नहीं कि पुरानी आपके पास जो है एंट्री है, आप उसी पर पेमेंट करके बैच से जुड़ जाए, नहीं, पहले आप इस पर जरूर से जरूर ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल इसी समय आगे के प्रश्नों के साथ, साथ में कुछ पॉइंट्स के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।